50 बिस्तरों का होगा कुरवाई अस्पताल, पठारी में खुलेगा महाविद्यालय। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने की घोषणा, विदिशा के कुरवाई में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनदर्शन कार्यक्रम में शामिल होने कुरवाई पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री रथ पर सवार होकर निकले। 2 किलोमीटर चले रोड शो में लोगों का हुजूम उमड़ा, कई जगह मुख्यमंत्री का स्वागत हुआ। इस दौरान लोगों ने घरों से पुष्प वर्षा की। इस दौरान रथ के आगे की ओर ग्रामीण परंपरा अनुसार लोक नृत्य का मंचन राहुल विश्वकर्मा एवं अन्य कलाकारों द्वारा किया जा रहा था, जिसमें ढपली की थाप पर दिल दिल घोड़ी और जय माता जानकी मैया लोक नृत्य कलाकारों के द्वारा किया जा रहा था। जनदर्शन रथ में मुख्यमंत्री के साथ सागर सांसद राज बहादुर सिंह, कुरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे, जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्य डॉन और राकेश जादौन साथ मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री 325 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत के 25 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जान भले ही चली जाए, जनता के विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। हम एक नया मध्य प्रदेश बना रहे हैं। कुरवाई और आसपास के विकास के लिए बीना रिफाइनरी के साथ ही आगसोद में ही जल्दी ही 50,000 करोड़ की लागत से पेट्रोल केमिकल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जो लोगों की जिंदगी बदल देगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जान भले ही चली जाए, जनता के विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। हम एक नया मध्य प्रदेश बना रहे हैं। कुरवाई और आसपास के विकास के लिए बीना रिफाइनरी के साथ ही आगसोद में ही जल्दी ही 50,000 करोड़ की लागत से पेट्रोल केमिकल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जो लोगों की जिंदगी बदल देगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वो कुरवाई के सिविल अस्पताल का उन्नयन कर 50 बिस्तर का करेंगे। कुरवाई में रानी अवंतीबाई की मूर्ति लगाई जाएगी। पठारी में नया महाविद्यालय खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सरकार को परिवार के जैसे चलाते हैं। वे संकल्प के साथ एक तरफ प्रदेश में विकास और दूसरी तरफ जनता के कल्याण के काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वो कुरवाई के सिविल अस्पताल का उन्नयन कर 50 बिस्तर का करेंगे। कुरवाई में रानी अवंतीबाई की मूर्ति लगाई जाएगी। पठारी में नया महाविद्यालय खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सरकार को परिवार के जैसे चलाते हैं। वे संकल्प के साथ एक तरफ प्रदेश में विकास और दूसरी तरफ जनता के कल्याण के काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वो कुरवाई के सिविल अस्पताल का उन्नयन कर 50 बिस्तर का करेंगे। कुरवाई में रानी अवंतीबाई की मूर्ति लगाई जाएगी। पठारी में नया महाविद्यालय खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सरकार को परिवार के जैसे चलाते हैं। वे संकल्प के साथ एक तरफ प्रदेश में विकास और दूसरी तरफ जनता के कल्याण के काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वो कुरवाई के सिविल अस्पताल का उन्नयन कर 50 बिस्तर का करेंगे। कुरवाई में रानी अवंतीबाई की मूर्ति लगाई जाएगी। पठारी में नया महाविद्यालय खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सरकार को परिवार के जैसे चलाते हैं। वे संकल्प के साथ एक तरफ प्रदेश में विकास और दूसरी तरफ जनता के कल्याण के काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वो कुरवाई के सिविल अस्पताल का उन्नयन कर 50 बिस्तर का करेंगे। कुरवाई में रानी अवंतीबाई की मूर्ति लगाई जाएगी। पठारी में नया महाविद्यालय खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सरकार को परिवार के जैसे चलाते हैं। वे संकल्प के साथ एक तरफ प्रदेश में विकास और दूसरी तरफ जनता के कल्याण के काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वो कुरवाई के सिविल अस्पताल का उन्नयन कर 50 बिस्तर का करेंगे। कुरवाई में रानी अवंतीबाई की मूर्ति लगाई जाएगी। पठारी में नया महाविद्यालय खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सरकार को परिवार के जैसे चलाते हैं। वे संकल्प के साथ एक तरफ प्रदेश में विकास और दूसरी तरफ जनता के कल्याण के काम कर रहे हैं। जाना हो, दवाई की जरूरत हो, साड़ी कपड़े खरीदना हो, बच्चे की किताब लाना हो, बेटी फिराक मांगनी हो, आप उन्हें सुनने के लिए आतुर हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने अपमान को दूर करवाएं। क्योंकि समय कम है, सांस की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाई का हम सिविल अस्पताल में उन्नयन करेंगे। 50 बिस्तर का अस्पताल बनाएंगे। गुरवाई तहसील में वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी और पठारी क्षेत्र में नवीन शासकीय महाविद्यालय भी खोला जाएगा। आपने और मांगे जो की है उन पर विचार करते हुए
उन पर भी फैसला करेंगे। आज तो मैं आप सब